24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं संपत चक के खेमनी चक में। और हमारे आप देख सकते हैं कि ये सिरसा मंदिर है जहां पर आज शनिवार के दिन हर्षवर्धन नारायण जो समाज सेवी हैं इस पूरे क्षेत्र के, उनके द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और हर शनिवार और बृहस्पतिवार को जो है पोंगल प्रसाद के तौर पर वितरण किया जाता है। दोनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रसाद को लगाया गया है। लोग आ चुके आ रहे हैं और आप देखिए कि कैसे कैसे जो है लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। हम आइए इनसे जानते हैं, रूप के प्रसाद ले रहे हैं। मैडम, प्रसाद आपने ग्रहण किया, पोंगल प्रसाद कैसा लगता है जब आप किसी मंदिर प्रांगण से प्रसाद का ग्रहण करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद के लिए आपको जानकारी है कि ये प्रसाद नहीं। देखिए यहाँ पे जो है लोग जो है रुक के जो है पोंगल प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसका मतलब जो है यहाँ पे लोग के द्वारा जो है आना और आने के बाद जो है प्रसाद ग्रहण किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक और सज्जन खड़े हैं, क्या प्रसाद लेने हैं? शनिवार आते हैं। कितने शनिवार आ चुके? बहुत शनिवार आ चुके। पता है कि ये प्रसाद किनके द्वारा दिया जाता है? विधायक जी के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, चलिए तो इनको जानकारी है, एक की समाज सेवी है हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा दिया जाता है। और आज थोड़ा बारिश होने के कारण पटना में आज काफी लंबे समय के बाद, उमस भरे समय के बाद जो है आज बारिश हुआ है और काफी झमाझम बारिश हुआ है। इस कारण से थोड़ा सा लोग यहाँ नहीं पहुंचे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। तो चलिए हम एक और मैडम है लेके प्रसाद देखे जा रही। मैडम, हर शनिवार आती है लेने? हाँ, हर शनिवार। क्या प्रसाद ग्रहण करती है? घर के लोगों के लिए भी ले जाती है? हाँ। कैसा अनुभव होता है? अच्छा लगता है। क्या लगता है इस तरह का प्रसाद वितरण और भी जगहों पे होना चाहिए, हर जगह पे जहाँ जहाँ मंदिर प्रांगण है? इनका कहना है कि वैसे जगहों पे प्रसाद वितरण होना चाहिए जहाँ जहाँ पर मंदिर प्रांगण। एक सर है हमारे साथ, आइए हम इनसे ही बात करते हैं। एनसीसी से जुड़े हुए क्या? अच्छा, टी शर्ट पहने हुए। अब बताइए, आप यहाँ मौजूद है, मंदिर है? हाँ, पर मंदिर है तो पूजा पाठ के लिए यहाँ पे हर शनिवार प्रसाद बढ़ता है। कैसा लगता है आप ग्रहण? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप ग्रहण किए हैं? नहीं, अभी नहीं ग्रहण किए हैं, अब तो करेंगे। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? कौन सा से आ रहे हैं? हर वक्त जब से ही शुरू हुआ तब से आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो समाज सेवी हर्षवर्धन नारायण जी, बहुत अच्छा उनके द्वारा किया जाता है? वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बने अच्छा है, धर्म के प्रति ये होना चाहिए। बिल्कुल, हिंदू धर्म के लिए तो सबसे बड़ी चीज है कि कम से कम शनिवार के दिन अगर प्रसाद वितरण हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, और भी जो पटना में मंदिर है, क्या वैसे ये सब व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। इससे कुछ गरीब गुरुआ के भी कुछ भोजन का भी व्यवस्था हो जाता है। अब लोग प्रसाद भी तो खाते हैं, कुछ आदमी के प्रसाद से पेट भी भरता है, ये तो कम से कम कुछ आदमी के आत्मा के बने की संतुष्टि हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चीज है। चलिए, आदमी संतुष्ट भी होता है, गरीबों को खाना भी मिल जाता है, ये बहुत बढ़िया। एक मैम है और प्रसाद ले चुकी मैम? हाँ, ले चुकी। हर शनिवार आती है? हाँ, हर एक शनिवार। कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव लगता है। क्या लगता है कि जिनके द्वारा ये किया गया है व्यवस्था गरीबों के लिए प्रसाद के तौर पे और श्रद्धालु जो इस मंदिर में आते हैं उनके लिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। और भी मंदिर है पटना में जहाँ इस तरह का व्यवस्था नहीं है, क्या वहाँ भी ये व्यवस्था है? हाँ, सब जगह होनी चाहिए, सब व्यवस्था गरीबों के लिए, गरीबों श्रद्धालुओं के लिए भी। चलिए, तो मैडम है जो उन्होंने अभी बताया है कि कुछ और लोग भी हैं जो इस तरह का वितरण कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रसाद वितरण कर रहे हैं? हाँ। कैसा मजा आ रहा है? मजा तो आ ही रहा है, लोग कम आए हैं, कुछ आयु क्या कारण है आज कम आने का? पानी पड़ने के कारण कम आए, पानी पड़ने का आज कम हो गया, वही चलते कम आए। और जैसे जैसे दे रहे हैं तो ढेर दिन से दे रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं नारायण वर्धन सेवा संगठन की ओर से, बहुत दिन से बढ़ते आ रहा है, बढ़ेगा भी जब तक रहेंगे, जब तक बढ़ेगा, हर शनिवार। हाँ, हर शनिवार। चलिए, तो आप देख सकते हैं प्रसाद बन के रेडी है और ये खिचड़ी के तौर पे इसको पोंगल प्रसाद कहते हैं। दोना में आप देख सकते हैं भरा जा रहा है और दोना के माध्यम से लोगों को खाने के लिए दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो घर के लिए भी ले जा रहे हैं, घर में भी मतलब जो लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं उन लोगों को जो है मतलब घर पे बर्तन में दे दिया जा रहा है, जिससे कि वो घर में भी जाके इसका लाभ जो है प्रसाद के तौर पे लोगों को दे सके। क्या कैसा अनुभव कर रहे हैं?
बहुत अच्छे कर रहे हैं, यहाँ पर ही आते हैं बांटते, ठीक लगता है बांटने में। अभी हम आते हैं तो अच्छा लगता है, आदमी आता है अच्छा देख प्रसाद ही बांटते हैं यहाँ पर ही, अच्छा होता है, सब ले आता है अपना घर ले जाते हैं बांटने के लिए, ले जाते हैं खाने के लिए। चलिए, ये लोग कार्यकर्ता हैं जो कि वितरण कर रहे हैं प्रसाद के तौर पे और लोग ग्रहण कर रहे हैं। एक और सिक्योरिटी भी में है, ये सुरक्षा में लगे हैं। सुरक्षा में तो लगे हुए है, ये हैं बहुत दिन से लगे हुए हैं, अब सेवा तो भगवान के सेवा में भी लगे हुए हैं, हमारे हर्षवर्धन बाबू भी लगे हुए हैं अपना की हमारा जो कि सब तरह से अच्छा भी रहे हम। हाँ, बाकी रोड नाला ये सब बना आते हैं, हाँ बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत आते हैं, 1000-1200 भी पूर जाते हैं, हाँ प्रसाद रहता है, हाँ ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। अरे हाँ, तो पानी के थोड़ा सा समस्या के लेकर के थोड़ा कम हो रहा है, बाकी आ रहे हैं लोग। चलिए, तो ये आप सुने सारे लोगों को, अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी है। आपको हम बता दें कि इस मंदिर पे लगभग 3-4 साल से जो है लगातार जो है पोंगल प्रसाद जो है शनिवार को शाम के 7 बजे जो है हर्षवर्धन जी के द्वारा समाज सेवी है उनके द्वारा जो है ये वितरण किया जाता है और लोगों तक जो है ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत लोग इसको अपने घर तक भी ले जाते हैं, बहुत लोग तक इनको घर घर भी ले जाते हैं प्रसाद अपने घर में लोगों और जो लोग आने में असमर्थ उनको देने के लिए। तो एक तरह से ये व्यवस्था है, धीरे धीरे लोग तक वहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। एक मैडम है, चलिए प्रसाद लेके जा रही हैं। मैम क्या कहेंगे, प्रसाद मिला? हाँ सर मिल गया। मिल गया, हाँ मिल गया। हर शनिवार आती है? हाँ आती है। कैसा अनुभव होता है? अच्छा लगता है, प्रसाद भी अच्छा बना हुआ, अच्छा भी खाने में भी अच्छा लगता है। प्रसाद भी हो भी अच्छा है और वो मतलब ग्रहण भी कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है प्रसाद खाने का। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मिशन 24 न्यूज़। हम हर शनिवार आपको इन सारे चीजों के से रूबरू कराएंगे और आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप देखें मिशन 24 न्यूज़। नमस्कार।